ना तुम्हें रूट छोड़ने पता है, तो रूट हम दिखाएंगे तुम्हें। पहुंच चुके हैं उस वाली रोड में जिसकी मैं बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा ये वाली होगी, पर इधर भाई कह रहे हैं कि इधर की साइड भी जाना है, तो कब्रिस्तान है। मैप से सर्च करके आते फिर यहीं पर हमारी तरह भटक गई। इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, मेरा भाई है, अपना मास्क उतार दो जरा, छोड़ दे। सुनील राणा नाम से है मेरा भाई का नाम। तो सुबह सुबह हमने निकलना था, कितने बजे? 3:30 बजे। 3:30 के 5:55 हो रहे हैं, तो हम लेट हो चुके हैं वैसे। अभी हमें दावड़ी थाने की साइड, और यहाँ से हम निकल रहे हैं हॉन्टेड प्लेस में, जहाँ पर कभी आपको जाना हो तो आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम वहाँ पर हॉन्टेड ब्लॉग बनाने नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं कि देखने के लिए कि कहाँ पर है। सुनील भाई अच्छे से हॉन्टेड ब्लॉग जो होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं, तो तभी हमने अभी सोच रखा है कि सबसे पहले ना आप सबके लिए ब्लॉग बनाते हैं कि कैसे हॉन्टेड प्लेस में जाना है। तो कभी भी जैसे कि कोई नया ब्लॉगर है उसको बनाना है वहाँ कभी भी, है ना, तो उसके लिए आसानी होगी कि कभी हॉन्टेड प्लेस हमने सर्च करा कि जाना किधर है। अभी हम दिल्ली कैंट जा रहे हैं, पर ये थोड़ी ना तुम्हें रूट छोड़ने पता है, तो रूट हम दिखाएंगे तुम्हें। दाबड़ी की साइड है, तो हम पावर हाउस की साइड से लेफ्ट टर्न लिया हमने। पावर हाउस सेक्टर 1 का है ना, सेक्टर 1 पावर हाउस, वहां से हमने लेफ्ट टर्न लिया सीधा सीधा आगे। ये अपना फ्लाईओवर आ चुका है, फ्लाईओवर से हमें लेना है राइट टर्न, तो तभी हमको अब दाबड़ी की साइड से लेना है राइट टर्न। तो ये जो हमने पहले से बनाना था वो बन नहीं पाया था क्योंकि लेट हो गए थे, तो फटाफट जल्दबाजी में थोड़ा सा बनाए, पर आपके लिए बिल्कुल सही कंटेंट बनाएंगे, तो हमारे साथ चले आप। उत्तम नगर जनकपुरी आ जाएगा, तो अगर यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो, पर अभी हमें जाना है राइट टर्न। सागरपुर की ओर ना, सागरपुर से यहाँ से सागरपुर आ जाता है, सो फटाफट आपको दिखाते हैं वे यहाँ से निकलते हुए। और यहाँ से सुनील भाई क्या जाना है? सीधा जाना है यहाँ से, जो आपको फ्लाईओवर हमने बताया वहाँ से बिल्कुल सीधा जाके, और नीचे जैसे हम पहुंचेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा? सागरपुर। आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं भाई, फॉलो करना, जिनको भी पसंद आ रहा होगा तो भैया कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सबके लिए बन रहा है पहला ब्लॉग हमारा हॉन्टेड, जिसमें अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं, फिर अभी बताएंगे कि हम उधर का वीडियो किस लिए बना रहे हैं, बताएंगे। यहाँ से भी सीधा जाना है, फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, तो अभी चलते हैं, फ्लाईओवर आएगा एक और अभी, और यहाँ से क्या लेने, फ्लाईओवर पे हैं सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से निकलना। देख रहे हो यहाँ पर हम फ्लाईओवर के पास पहुँच चुके हैं, मुंडा नहीं है, सीधे से जाना है। अभी तो काफी बंदे सोच रहे होंगे कि भैया सुबह सुबह कौन सा हॉरर ब्लॉग बनता है, ब्लॉग थोड़ी ना बनता हॉरर कोई सुबह सुबह, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पता चलेगा पूरा सस्पेंस, अभी खोलेंगे हम धीरे धीरे, अभी तो जरा पहले पहुंच तो जाए। यहाँ से भी हम निकल चुके हैं सीधा सीधा, अभी एक और चौक आया था, इसमें दिखा रहा है करियप्पा मार्क करके ये वाला, और इतना दूर रह गया, बस थोड़ा सा ही रह गया अभी, बस अभी गेट जैसे दिखा था, क्या था नाम भी एक, अभी मैं बताऊंगा जब वापस ही में हम आएंगे, तो बढ़िया लग रहा है राजमहल, राजमहल चलो, तो अभी वापस ही में जब आएंगे तो आपको दिखाऊंगा वहाँ का, बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ का, मैं शूट नहीं कर पाया था, अभी करूंगा अभी। वहाँ का नया फ्लावर बना हुआ ना, ये नया बन रहा है, ये नया फ्लावर बना हुआ है। तो भाई अभी जिस प्लेस से हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो इंडिया गेट आ जाएगा, तो यहाँ से क्या करते हैं सीधा जाके कौन सा रास्ता, हो गया ग्रीन पार्क, हो गया हमारा INA ITO, अच्छा ये प्लेसेस आ जाते हैं, और फ्लाईओवर यहाँ पे, ये नया फ्लाईओवर बना हुआ ताकि जाम ना लगे। अभी तो फ्लाईओवर देखो, इस वाले में मैं पहली बार आ रहा हूँ भैया। अभी जो दिल्ली कैंट वाली जगह में हम जा रहे हैं, आर्मी रेंज एरिया है, तभी इधर की साइड दिल्ली कैंट के घर भी थे, हॉस्टल भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, है ना, हॉस्टल घर भी थे ना उधर, और वहाँ पर मेरी मम्मी भी रह चुकी है वहाँ पर पहले, जब नाना जी आर्मी में थे इधर की साइड, अभी पहले रहते थे बहुत पहले, तो देखता हूँ वहाँ का भी थोड़ा सा शूट कर पाऊंगा तो करूंगा। लेफ्ट मुड़ते ही एक फ्लाईओवर और आएगा, यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी हैं। तो भाई ये फ्लाईओवर के ऊपर दिख रहा है, इससे मैं जाना नीचे की साइड से जाना। एक चीज बताता हूँ कि देखो हमारे साथ खुद हो गया ऐसे कि हम पहली बार आ रहे हैं तो हमें सही से पता नहीं चला कि किधर की साइड मुड़ना है, क्या चाहिए, हम मैप से आए, नहीं तो आप सब भी आते तो क्या करते, मैप से सर्च करके आते फिर यहीं पर हमारी तरह भटकते। और जहाँ पर हमने अभी टर्न लिया था फ्लाईओवर की लेफ्ट साइड से, वहां से हम वापस आ चुके। तो भाई अभी हम जब जा रहे थे तो वो रॉन्ग साइड पड़ रहा था, तो इसलिए हमने रॉन्ग साइड से नहीं जा रहे, तो फिर दोबारा से ये देखो दिख रहे हैं आगे, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर चले गए थे फिर नीचे चले गए और फिर वापस आए, पर फिर दोबारा से यहीं से जाना पड़ा। सर अभी हमने मैप में देखा तो यहाँ से हमें सीधा जाना है, पहले मैं लेफ्ट टर्न कह रहा था वहाँ नहीं, यहाँ से सीधा जाके लेना है हमें राइट टर्न, ये दिख रहा है आपको राइट टर्न लेके, फिर सीधे 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 जाके फिर वहाँ से एक और राइट टर्न है, अभी आपको दिखाऊंगा, पहले हम ले लेते हैं राइट टर्न, क्योंकि आगे की साइड से हम टर्न लेके आना पड़ता फिर इधर की साइड, पर हमने रिस्क लेके काम किया, हमने रिस्क लेके भैया यहाँ से निकल गए अंदर की साइड, भैया फाटक रोड है, देख लो भैया हम एंट्री कर गए दिल्ली कैंट के, कभी यहाँ कभी बनाएंगे यार ब्लॉग है नाइट स्टे। फिर भी हम थोड़ा रिस्क लेके बना रहे हैं आप भाइयों के लिए, ये कब्रिस्तान है,
कब्रिस्तान है भाई साहब, तो वहाँ से कौन सा रोड इधर ज्यादा फोन वोन चलाना अलाउ नहीं है। तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं उस वाली रोड में जिसकी मैं बात कर रहा था सबसे, और आपको पूरा रूट मैं बता चुका हूँ वैसे भी, और बहुत देर से मेरे को लग रहा था पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे हैं। कभी कहीं पूरी लोकेशन आ चुकी है यही वाली, देख रहे हो यही वाली लोकेशन है। मेरे को बहुत पहले का याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो देखी थी तो ये जगह जैसी मैंने देखी ना, तो ये जगह देख के मेरे को एकदम से ध्यान आ गया कि हाँ यही वाली रोड है, यही से स्टार्ट है। तो आप सबके लिए मैंने यहाँ तक की तो मैंने बना ही दी है कि कभी आपको यहाँ पर आना हो तो आप आराम से आ सकते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, हॉरर वाला आप चैलेंजेस ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा था कि आप सबको भी पता चल जाए कि भैया ये वाली जगह है जहाँ पर आप आके वीडियो बना सकते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसका ब्लॉग बनाएंगे हम रात के टाइम, डिसाइड कर लिया ना फाइनल रात को करेंगे। तो भाई अपना फाइनल हो चुका है किस चीज का कि रात के टाइम हमें यहाँ का ब्लॉग बनाना है, चैलेंज हम ले चुके हैं। आज सुबह सुबह हम आ रखे हैं पर आज रात के टाइम आएंगे और यहीं का ब्लॉग बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे रात का हमने जो चैलेंज लिया इस रोड का। और इधर ही साइड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिल्ली वॉर सीमेंट्री नाम से ये प्लेस, सर्च कर सकते हैं। और इधर की साइड जो आपको दिख रहा है पहले यहाँ पर नहीं था ना, ये दीवार नहीं थी, मतलब ये पहले ये दीवार तो नहीं थी, ये बनाई गई है, ये रास्ता जाता है कच्चा रास्ता, छोटा रास्ता कहते हैं, इंद्रपुरी की तरह मिलता रास्ता। और मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ रात को यहाँ पर भी जाना है क्या? हाँ, रात को यहाँ पर विजिट करेंगे हम अपना। सही में? हाँ, करेंगे रात को यहाँ पर विजिट करेंगे बिल्कुल। भाई मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा यही वाली होगी, पर इधर भाई कह रहे हैं कि इधर की साइड भी जाना है, तो पक्का सोच रखे ना? हाँ, 100% चलेंगे यहाँ पर, यहाँ भी चलेंगे, आगे एक रास्ता और कच्चा पड़ता है। अरे हाँ, आगे की साइड एक और है रास्ता, अंदर की साइड जाता है जंगल की तरफ, तो वहाँ का मुझे पता नहीं है, सुनील भाई को पता है, तो मैं तो गया नहीं हूँ, तो मुझे आज रात को पता चलेगा, तो इसलिए मैं अभी अंदर नहीं जा रहा, तो इसी जंगल वाले इलाके में हम जाएंगे। हमारी वीडियो कमिंग सून है, तो वीडियो भैया आने वाले तगड़ी वाली हॉन्टेड वाले व्लॉग्स बनेंगे इसमें, आपके लिए बना रहे भाइयों, सपोर्ट करना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना यार। हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो, ऐसे नहीं कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं, किसी कोई फोर्स नहीं है, पहले अच्छे से देखना, नहीं लेके तो भी हम बनाते रहेंगे, लेकिन बस कि आप सब साथ देना हमारा, अगर आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो, इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे और भी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप सबके लिए भी कुछ नया होना चाहिए ना, तो नया ये आ रहा है, नया ब्लॉग है। हाँ, और भी चैलेंजेस हम लेंगे, पहले हमारे चैलेंज खत्म होगा तो हम और ब्लॉग के ऊपर बनाएंगे हॉरर वाले, बस आपके कमेंट आने चाहिए, बस कमेंट और शेयर को, कोई प्लेस आप अगर आपको कोई भी प्लेस पता है तो भैया कमेंट करके बताना, मैं वहाँ के लिए बनाऊंगा। बाकी मैंने यहाँ का आपको दिखा दिया, आप आ सकते हो आराम से, और ध्यान रखना कि भैया जब भी स्टार्ट होगा तो इधर की साइड से स्टार्ट होगा। मेन पॉइंट जो है आर्मी का पंगा है भाई, यहाँ से आर्मी, हाँ आर्मी वाला इलाका है, तो थोड़ा अपने फोन का और शूटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार वो फोन देते हैं आपको। हाँ, तो अगर आप जैसे कि आगे रात के 9 बजे आ रहे हो यहाँ पर, 9 से 10 बजे के बीच में ना, हाँ। तो यहाँ पर टोक देंगे आपको आर्मी वाले, सही बात है, उस समय तो यहाँ पर लोग रहते हैं, हाँ। तो रात को 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद जब हम शूटिंग करेंगे तो रात को जो रोशनी वगैरह जलती है तो आर्मी वाले देखते हैं कई बार कि भैया ये कौन है क्या, हाँ। है तो थोड़ा चीजें ध्यान रखना अपने, थोड़ा अपने पर रिस्क लेके जो करोगे थोड़ा देख के करना वो वीडियो को। तो तभी मैंने तो सोचा रात को आते 12 बजे आएंगे, 11 बजे 12 या 1 बजे, इन तीनों में से एक स्लॉट हमने ले लिया कि इसी में हम आएंगे। तो आपको आज तगड़ा वाला व्लॉग मिलने वाला भैया रात के टाइम का, तो वो जरूर देखना। निकलते हैं हम सीधा घर के लिए, हमने इतना तो चलो देख लिया है प्लेस कि इधर की साइड से हम विजिट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में।